हूँ और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी अभी थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं अपने गार्डन में हूँ फ्रेंड। बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, मौसम एकदम से चेंज हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारे जो फ्लावर है, मुझे तो ये लगता है जैसे इनकी कुछ फ्लावर कुछ कम हो गए हैं या जैसे ठीक से खिल नहीं रहे हैं, शायद ठंड की वजह से, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गलन है फ्रेंड। तो हमारे प्लांट्स को भी मैं काफ़ी दिनों से इनको ना पानी दे रही हूँ ना फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ 12 दिसंबर की बारिश हुई थी उसके बाद बीच में एक दिन और बारिश हुई, तो फ्रेंड्स इतने ज़्यादा इसमें अंदर सीत थी कि मैं अपने पानी नहीं दिया। फ्रेंड आप भी प्लीज़ अपने प्लांट्स को चेक करके ही उसमें फर्टिलाइज़र है या पानी आप दे सकते हैं उसमें, क्योंकि अगर आप बिना चेक किए देंगे फ्रेंड्स तो फिर ये आपके प्लांट्स को नुकसान करेगा, क्योंकि ठंड में अगर इसकी जड़ों में पानी पहुंच गया तो फिर आपको और आपके प्लांट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप चेक करके पानी देते रहिए अपने प्लांट्स में, और इनको हो सके तो जितनी ज़्यादा धूप हो सकती है, और जैसे कुछ प्लांट्स को हमारे कम धूप पसंद होती है तो आप प्लीज़ इनको अभी फुल धूप में ही रखिए। अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है तो आप इनको फुल सन में रखिए फ्रेंड्स, कोई ज़रूरत नहीं है इनको शेड में रखने की, क्योंकि इसमें अगर शेड में रखेंगे फ्रेंड्स तो फिर फंगस का अटैक शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्लैडिया लगाया था, लग गया मेरा, और देखिए और देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि हमारे कितने प्यारे प्यारे रोज़ खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। हमारा देसी रोज़ है, और ये देखिए इसमें भी खूब अच्छे से बर्ड्स वगैरह आ गई हैं। एक देखिए वहाँ छुपा हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। और बहुत सी कली फिर से आ गई हैं और ये अच्छी सी ग्रोथ पे है। ये देखिए हमारा ये है, ये रेड वाला है, वो पिंक वाला है फ्रेंड, और इस वक्त इसका कलर भी डार्क हो गया, यानी वाइट खिलने लगता है गर्मी में। और ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें चारों तरफ से बर्ड्स आ रही हैं फ्रेंड, आपको मैं दिखा रही हूँ, हर तरफ इसमें बर्ड्स हैं, देखिए हर तरफ से इसमें बर्ड्स हैं फ्रेंड, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम लोग की देखिए, ये देखिए एक देसी ये है, ये भी खिलने पे है, देखिए ये लोग सब की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। तो देखो फ्रेंड, ये मेरा जेनी है, ये बहुत क्यूट है, और ये देखिए कुछ मुझे आज गार्डन में परेशान कर रहे हैं, और ये लगता है कुछ तोड़ फोड़ करने वाले हैं प्लांट के साथ, और मुझे पक्का उम्मीद है कि ये मेरे प्लांट के साथ आज कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ करेंगे। ये हमारे यहाँ रहते नहीं हैं मगर सुबह शाम दूध पीने हमारे यहाँ आते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।